नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का जैसे ही नोटिफिकेशन आया, तभी से जो है इसकी जो इतनी महंगी फीस है, जो इसका जो विरोध है वो होना शुरू हो चुका है। और इसको लेके सबसे पहले मैंने आवाज उठाया था, और अब जो है सभी यूट्यूबर्स जो हैं या फिर जो भी फार्मेसी के टीचर्स हैं, जो भी फार्मेसी के एसोसिएशन हैं, वो भी इसको लेके आवाज उठा रहे हैं। और एबीपी न्यूज पर भी जो है ये खबर आ चुकी है कि 5,900 रुपए की जो फीस है, बहुत ज्यादा महंगी फीस है, इसको कम किया जाए। और इसको लेके एनबीएमएस ने जो है एक लेटर जारी किया है। तो देखिये, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आपका अभी का जो आपका नोटिफिकेशन है एग्जाम का, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का, फीस है 5,000 रुपए प्लस इस पे 18% जीएसटी लिया जा रहा है, जो कि आपका होता है 900 रुपए। टोटल 5,900 रुपए जो है ये आपका एग्जिट एग्जाम की फीस है। जहां से आप ये फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे वहां भी आपका 200-300 लगेगा। उसके बाद देखिए, एग्जिट एग्जाम जो है इसका पेपर 3 दिन कराया जाएगा, 3 दिन पेपर कराया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, 6,000 रुपए तो आप एग्जिट एग्जाम की फीस मान लीजिए, प्लस आप जहां पर 3 दिन पेपर देने जाएंगे वहां पर 1 दिन का खर्चा आप 1,000 रुपए मान लीजिए, तो ये आपका 3,000 रुपए हो गया। प्लस आने जाने का 2,000 रुपए खर्चा आप यहाँ पे और मान लीजिए, कितना होगा ये, लगभग 11 या फिर 12 हजार का जो खर्च है वो यहाँ पर बैठ जा रहा है, ठीक है, एग्जिट एग्जाम का। तो एग्जिट एग्जाम का कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन जो इसकी फीस है वो सही नहीं है। और इसको लेके एनबीएमएस ने जो है एक लेटर जारी किया है, और उस लेटर में ये लिखा गया कि जो फीस है वो कम नहीं होगी, क्योंकि एग्जिट एग्जामिनेशन जो है वो 3 दिन कराया जा रहा है। तो आखिरकार आपको एग्जिट एग्जामिनेशन 3 दिन क्यों कराना है? देखिए, बी फार्मा के बाद जो है जीपैट का एग्जाम होता है। आपको पता है कि बी फार्मा जो है 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं, 25 से 30 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो जब 25 से 30 सब्जेक्ट के एमसीक्यू जीपेट एग्जाम के एक ही पेपर में एक ही दिन पूछे जा सकते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, जब इसमें 25 से 30 सब्जेक्ट के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टोटल 11 सब्जेक्ट है। आखिरकार 11 सब्जेक्ट से 250 एमसीक्यू बनाकर एग्जिट एग्जाम को एक ही दिन में कंडक्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा है? तो इसका जो जिम्मेदार है वो है पीसीआई और मोंटू पटेल, जो कि अभी तक जो है सोए पड़े हुए हैं, उन्हें जो एग्जिट एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तमाम मैं उनको ट्वीट कर चुका हूं, मेल कर चुका हूं, न्यूज में आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है उनका इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा, प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अगर पीसीआई और मोंटू पटेल चाहे तो एग्जिट एग्जाम की जो फीस है वो तुरंत कम हो सकती है, और एग्जिट एग्जाम जो है वो एक ही दिन में कराया जा सकता है। जब तक एग्जिट एग्जाम एक ही दिन में नहीं होगा, तब तक इसकी फीस कम नहीं होगी। तो एग्जिट एग्जाम की फीस तभी कम होगी जब आपका एग्जिट एग्जाम एक ही दिन में कराया जाए, एक ही पेपर 3 घंटे का कराया जाए, और उसी में 200 या फिर 250 क्वेश्चन दे दिए जाएं, तभी जो है एग्जिट एग्जाम की फीस कम होगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी आपके राज्य हैं, प्रदेश हैं, साथ में जिले हैं, वहां पर जो है एग्जिट एग्जाम को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की जो फीस है उसको कम की जाए। फीस कम कब होगी? फीस कम तभी होगी जब एग्जिट एग्जाम एक ही दिन में कराया जाएगा। जब जीपैट का पेपर एक ही दिन में हो सकता है, तो डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन एक ही दिन में क्यों नहीं कराया जा सकता है? बड़ा सवाल है। और इसको लेके जो है पीसीआई और मोंटू पटेल जो है वो चुप्पी साधे हुए, उनका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। पीसीआई के वेबसाइट पे एग्जिट एग्जाम का कोई नोटिस नहीं है, जीपैट का नोटिस आ गया था, लेकिन डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो यहाँ पर ट्विटर पे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिस जारी करते हैं तो इसका विरोध जो है और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को आवाज उठानी है, क्योंकि अब की बार तो जो आपका एग्जिट एग्जाम हो रहा है इसमें बस केवल गिने चुने बच्चे जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर आपका 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर एग्जिट एग्जाम होगा, तो उस समय जो है इसमें सुधार हो जाना चाहिए। एग्जिट एग्जाम का एक ही पेपर हो, फीस जो है 1500 से 2000 के अंदर जो है वो किया जाए, मतलब फीस जो है उसको कम किया जाए, एग्जिट एग्जाम जो है एक ही दिन कराया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट एग्जाम की फीस तभी कम होगी जब पेपर आपका एक ही होगा। अगर आपका 3 पेपर होगा तो जाहिर सी बात है फीस बढ़ जाएगी, तो पेपर जो है वो एक ही करवाया जाए। पीसीआई और मोंटू पटेल से निवेदन है कि वो यहां पर एनबीएमएस को क्या करें, लेटर लिखें। और देखिए, पीसीआई ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही कहा था कि एग्जिट एग्जाम का एक ही पेपर होगा, ताकि छात्रों पे जो है वो यहां पर भार न पड़े, लेकिन यहां पर एनबीएमएस ने जो है वो 3 पेपर करवा रहा है, जो कि पीसीआई के नोटिफिकेशन का सरासर उल्लंघन है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फार्मासिस्ट फ्रेंड है, फार्मेसिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी
किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।